कृपा बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 6, पार्ट का नाम क्या है हमारा, गुरु वालिदैन, ये हमने पार्ट पढ़ा था। इसमें हमने देखा एक बच्ची है जिसका नाम सुहानी है, जो कि आंखों से अंधी है और वह अपना जन्मदिन मनाती है और उसके दोस्त उसके लिए उपहार में क्या क्या लाते हैं और वो किस तरह से उसके साथ समय व्यतीत करती है, यह सब हमने इस लेसन में हमने इस पार्ट में पढ़ा। आज हम इस पार्ट का एक्सरसाइज मतलब अभ्यास करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसका प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। पहला प्रश्न क्या है बच्चों कि सुहानी को कौन कौन से फूल पसंद थे। तो सुहानी को कौन कौन से फूल पसंद थे, हमने ये पार्ट में पढ़ा था। तो सुहानी कौन कौन से फूल पसंद थे, तो सुहानी को गुलाब और रजनीगंधा के फूल पसंद थे। सुहानी को कौन कौन से फूल पसंद थे, सुहानी को गुलाब और रजनीगंधा के फूल पसंद थे। दूसरा प्रश्न क्या है, सुहानी चुपचाप एक तरफ क्यों खड़ी हो गई थी। वो तो हमने जब पार्ट में पढ़ा तो हमने देखा था कि सुहानी एक तरफ इसलिए खड़ी हो गई थी क्योंकि वो गेंद नहीं पकड़ पा रही थी। और गेंद वो क्यों नहीं पकड़ पा रही थी, क्योंकि वो आंखों से अंधी थी। तो जब हमें दिखाई सुनाई नहीं देता है तो हम क्या करते हैं, हम चुपचाप खड़े रहते हैं। या हमें जिस कार्य में हमें पता नहीं होता है क्या करना है, जैसे कक्षा में आपसे मैडम कोई क्वेश्चन पूछ रही है और आपको आंसर नहीं आता तो आप लोग क्या करते हो, ऐसे चुपचाप बैठे रहते हो। उसी प्रकार से सुहानी को आंखों से तो दिखाई नहीं दे रहा है, उसे तो पता नहीं गेंद कहाँ है। तो सुहानी को जब पता नहीं है तो सुहानी गेंद नहीं पकड़ पा रही थी, इसीलिए एक तरफ खड़ी हो गई थी। प्रश्न नंबर 3, सुहानी को घुंघरू वाले रिंग क्यों अच्छी लगी। रिंग में घुंघरू की आवाज होने से सुहानी उसी दिशा में दौड़ के जाती, इसीलिए सुहानी को वो घुंघरू वाले रिंग अच्छी लगी। जब हमें क्या होता है, हमें कोई चीज पता होता है कि इसमें घुंघरू है, इसमें आवाज हमें सुनाई देगी, तो वो क्या करती थी, बंद आंखों से भी उसे पकड़ लेती थी, इसीलिए उसे वह रिंग बहुत अच्छी लगी। सही उत्तर पे टिक लगाओ। मैं तो सुहानी के लिए क्या उपहार लाई थी, तो क्या लाई थी, गुलदस्ता, ठीक है। मैं तो सुहानी के लिए गुलदस्ता उपहार में लाई थी। घुंघरू वाले रिंग कौन लाया था, घुंघरू वाले रिंग कौन लाया था, घुंघरू वाले रिंग रोली लाई थी। सुहानी घुंघरू वाले रिंग कैसे पकड़ लेती थी, सुहानी घुंघरू वाले रिंग कैसे पकड़ती, उसकी आवाज सुनकर या छूकर, सुनकर नहीं, उसकी आवाज सुनकर वो घुंघरू वाले रिंग पकड़ लेती थी। पाठ के अनुसार वाक्यों का क्रम 1, 2, 3, 4 लिखकर बताइए। मतलब ये दिया हुआ है क्रम, इसको क्रम अनुसार आपको बताना है कि कौन सी स्टोरी पहले हुई, कौन सी बाद में हुई। तो सबसे पहला क्या हुआ कि माँ ने रंग बिरंगे गुब्बारों से कमरा सजा दिया था। उसके बाद क्या हुआ देखिए, उसके बाद 5 बजते ही सुहानी के मित्र आने शुरू हो गए। फिर सुहानी ने माँ की मदद से केक काटा। फिर उसके बाद क्या हुआ, सबने आंखों पे पट्टी बांध ली। फिर क्या हुआ, सुहानी ने आवाज सुनकर रिंग पकड़ ली और सबने सुहानी के लिए तालियां बजाई। यह कहानी में इस क्रम से दिया हुआ है तो हम उसे इसी क्रम से करेंगे नंबरिंग करके। ये उल्टा सीधा दिया है, हम क्या करेंगे, इस बॉक्स में नंबर डालकर उसको क्रम के अनुसार हम इसको करेंगे, ठीक है। अभी देखिए मूल्याधारित प्रश्न। खेल के मैदान में आपके मित्र को चोट लग गया है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर हमें फेस बनाना है। तो अगर हम खेल के मैदान में हमारे मित्र को चोट लग गया तो हम क्या करेंगे, उसका मजाक बनाएंगे, बिल्कुल नहीं, क्या करेंगे, उसे उठाएंगे और उसे डॉक्टर के पास तक ले जाएंगे। हम क्या करते हैं, जब हमारे मित्र को, हमारे दोस्त को चोट लगती है तो हम बोलते हैं ना मैडम से जाके कि मैडम इसको चोट लग गई है, इसको ब्लड आ रहा है। तो मैडम क्या करती है, वहाँ पर डिटॉल लगाती है, नीम लगाती है, जो भी उसकी दवा होती है। ऐसा तो नहीं होता है कि हम उस बच्चे की मजाक उड़ाते हैं, नहीं, ये हमारी बहुत ही बुरी आदत होती है। हमें दूसरों की हमेशा मदद करनी चाहिए, हमें किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। अभी देखिए भाषा की बात क्या है, एक के अनेक रूप लिखो। एक के अनेक मतलब एक वचन है और बहुवचन, एक से ज्यादा होते तो हम उसे क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं, ठीक है। एक गुब्बारा का गुब्बारे, गेंद का गेंदे, ताली का तालियां, ठीक है, गुलदस्ता का गुलदस्ते, आंख का क्या होता है, आंखें, और पट्टी का
पट्टियां, ठीक है। हम एक वचन में बात कहते हैं और जब वो एक से ज्यादा होता है तो क्या कहते हैं, एक बच्चा होता है क्लास में तो हम बच्चा कहते हैं, लेकिन जब ज्यादा होते हैं तो हम कहते हैं ना सभी बच्चे, मुंह बंद कर लो तो आप लोग क्या कहते हैं, सभी बच्चे, मतलब ये बहुवचन हुआ। लेकिन हम जब एक का नाम लेंगे, किसी एक बच्चा होता है उसका नाम लेंगे, लेकिन जब हमें पूरी क्लास को पनिशमेंट देना होता है तो हम क्या कहते हैं, ऑल ऑफ यू स्टैंड अप एंड हैंड्स अप, मतलब सभी खड़े हो जाओ और अपने हाथ ऊपर कर लो। तो हम सभी बच्चों को ऑल ऑफ यू, मतलब हम सभी को कहते हैं, मतलब हम यहाँ बहुवचन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अभी देखिए, ना लगाकर शब्द बनाओ, हमें क्या करना है, ना लगाना, जैसे उछाल उछलना, ठीक है, पढ़ पढ़ना। ये एक्सरसाइज को मैं कंप्लीट करके आपको इसका पिक भेज दूंगी, ठीक है बच्चों। पढ़ पढ़ना, दौड़ दौड़ना, चल चलना, खेल खेलना, पकड़ पकड़ना, गिर गिरना। इसमें इसमें सिर्फ हमें जो ऊपर दिया हुआ है उसमें हमें ना जोड़ के हमें शब्द बनाना है, ठीक है बच्चों। अभी हम देखिए, अभी पेज नंबर 49 देखिए, पेज नंबर 49 देखिए, नए शब्द बनाओ। ये भी पेज में आपको कंप्लीट करके दे दूंगी, ठीक है। ये क्या है, हमने आपको बताया था फर्स्ट स्टैंडर्ड में, र में जब इस तरह से लगा होता है तो र में छोटा ओ की मात्रा, और जब सर्कल करके हम लगाते हैं तो र में ये बड़ा ओ की मात्रा है। तो रूप रुपया, रूप रुकना, रूप रुचि, ठीक है, ये इनसे जोड़ कर हम ये शब्द बनाएंगे नया शब्द। रूप रुमाल, रूप रूलर, रूप रूखा, ठीक है, ये बड़ा ओ की मात्रा से संबंधित शब्द है, ठीक है। किसी भी वर्ण पर ये हम जो ऊपर चंद्र लगाते हैं, इसके लगने पर औ की आवाज आती है, जैसे चॉकलेट। जब हम किसी भी व्यंजन पर हम आपको अभी ये बता देते हैं, किसी भी व्यंजन पे हम जब सिर्फ चंद्र लगाते हैं तो ये क्या होता है, इसको हम औ की मात्रा से उच्चारण करते हैं, जैसे पॉपी, तो हमने औ की मात्रा जैसे बोलते हैं औरत, इसी प्रकार से हम इसको बोलते हैं पॉपी, ठीक है। जैसे हमने बोला चौक, इसका उच्चारण मुंह से औ की तरह ही आता है, लेकिन मात्रा औ की नहीं लगती है, मात्रा हम ये लगाते हैं इससे चंद्र बिंदु, ठीक है। जैसे कॉफी, कॉफी, ठीक है, टॉफी, ठीक है, ये देखा आपने। तो हमने इतने सारे शब्द हमने ये सिर्फ चंद्र वाले लगाए हैं, इसमें चंद्र बिंदु नहीं है, ये बिंदु नहीं आएगा, ये चंद्र बिंदु हो जाएगा तो ये अनुनासिक आ जाएगा, लेकिन इसमें बिंदु नहीं है, इसमें सिर्फ चंद्र है, जिसको हम उच्चारण औ की भांति करते हैं। देखिए अब यहाँ पर ये है, ये अंग और ये चंद्र बिंदु है, इसको हम अंग को अनुस्वार बोलते हैं और इसे हम अनुनासिक बोलते हैं। इसके हम चार शब्द लिखेंगे, कैसे, पसंद, बंधन, बंदर, अंग, और ये अनुनासिक के माँ, आंख, आंचल और सूंघा। तो ये सब क्या हो जाएगा, अनुस्वार और अनुनासिक के ये शब्द हो जाएंगे। अब ये क्या कह रहे हैं, ये एक एक वाक्य लिखिए, ये आपका गृह कार्य है। आप कैसे लिखेंगे, देखिए, जैसे दो, यहाँ पर दो लड़कियां दिखाई दे रही हैं, वह आपस में बातें कर रही हैं, क्या कर रही हैं, देखो दोस्त मेरी गुड़िया कितनी सुंदर है। तो दूसरी वाली कहती है, हाँ परंतु मेरी गुड़िया भी बहुत सुंदर है। यह हमने लिखा दो लाइन में। यहाँ पर एक कौवा है जो कि एक घड़े के ऊपर बैठा है, वह बहुत प्यासा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कछुए और हिरन की प्रतियोगिता हो रही है या स्पर्धा हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा एक्सरसाइज, ये हमारा अभ्यास मैं आपको कंप्लीट करके दे दूंगी। मैंने आज आपको ये समझाया कि हमें किस प्रकार करना है, ठीक है बच्चों। आप बाकी चीजें मैं आपको